एवरीवन वन चलिए सबको सुनाई दिखाई प्रॉपर दे रहा है तो बताएं आपके कमेंट भी जो है ऑन कर लेते हैं तो आई थिंक चलिए चलिए गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ठीक है ठीक है दिख रहा है सबको क्लास वेरी गुड तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग यू पी आर जेई दो हज़ार पंद्रह का पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों ऑलरेडी और जिसमें हम लोग थर्टी क्वेश्चन के आसपास कर चुके थे तो सम मोर क्वेश्चन हम करेंगे लगभग दो तीन से दो से तीन सेशन में जो है एक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलिए वेरी गुड चलिए तो स्टार्ट करें बच्चों आगे हाँ अभी यहाँ पे कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कोई डी एस 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 बी जेई के लिए पूछ रहा है ठीक है ना तो अभी तो खैर बच्चों उसकी प्रिपरेशन उसके बारे में भी करते हैं अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कहने को कुछ नहीं है कि उसके लिए हम कैसे स्पेशली कुछ क्या कर सकते हैं क्या नहीं बट कोशिश हमारी यही रहती कि हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ किया जाए इसलिए हमने इस बार आउट ऑफ द बॉक्स जा हम लोगों ने काम शुरू किया था जितना हम लोग करते थे उससे ज़्यादा वो इसी किया था कि हर बच्चे की हम लोग हेल्प कर पाएँ ठीक है तो कोशिश यही थी बट अभी जो है वही है देखो सब कुछ करने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें रिसोर्सेज़ भी बढ़ाने पड़ेंगे और अपनी मेहनत भी बढ़ानी ही पड़ेगी तो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हो पाता है तो स्टार्ट करें बच्चों फिर रेडी हैं आप लोग सब जो लाइव आ रहे हैं फटाफट फटाफट आते जाएं या फिर ये ना करें कि कल जो किया उसके बाद आगे अब आराम आराम से करते रहेंगे तो चलिए पहला क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ अगर आप लोगों को आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ठीक है ये रहा तो कल के आगे से क्वेश्चन मैंने लिए हैं ठीक है कल हमने यही सब सेशन किया था कल लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था जिसका आंसर हमने ट्वेंटी निकाला था ठीक है तो उसी के आगे से हम लोग ले रहे हैं चलिए तो बच्चों लास्ट ईयर के भी करेंगे 2016 का मैंने पहले से कर डाल रखा है पेपर बेटे ये 2015 है ठीक है सभी ईयर के पेपर करके चलेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास है द एक्सप्रेशन पी डी वी कैन बी यूज फॉर ऑप्टेनिंग वर्क ऑफ तो बताइए बच्चों फटाफट आंसर करना शुरू करिए बच्चों अभी तो उधर ध्यान नहीं अब फटाफट जो है वो आंसर करना शुरू करिए कि एक्सप्रेशन पी वर्क हमारा जो है वो कहीं के लिए यूज होता है बताएं एक्सप्रेशन पी जो है हमारा वो कहीं के लिए यूज होता है बच्चों पी डी वी वर्क सबको पता है डेट इज नॉन फ्लो रिवर्सल प्रोसेस बिल्कुल नहीं ये क्या है एक फ्लो वर्क है तो स्टीडी फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस एडियोटिक रिवर्सिबल प्रोसेस थ्रॉडलिंग प्रोसेस तो सबको पता है बच्चो दट इज कॉल्ड अच्छा ए आंसर कर रहे हैं सब लोग पी वर्क ए आंसर कैसे याद क्या हो गया तुम लोगों को पी है बच्चों वो वीडीपी नहीं है अच्छा सॉरी नॉन फ्लो ही ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी 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 मैंने गलत पढ़ लिया मैंने फ्लो प्रोसेस पढ़ लिया सॉरी सही आंसर किया सबने बिल्कुल सही बिल्कुल सही मेरे बोलने पे बी मत करो बिल्कुल सही ठीक है ना दैट इज अ नॉन फ्लो रिवर्सल प्रोसेस चलो इससे पता चलेगा कौन बच्चा डर के अपना आंसर बदल रहा है लव कुछ ने बदल दिया दिलीप ने बदल दिया पर जो बिल्कुल सही है दैट इज नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम प्रोसेस ठीक है नॉन फ्लो रिवर्सिबल वर्क हमारा क्या होता है दैट इज कॉल्ड पीडीवी बिल्कुल सही है ठीक है नॉन फ्लो रिवर्सिबल वर्क पीडीवी बिल्कुल सही है फ्लो के लिए क्या होता है वीडीपी वीडीपी फॉर फ्लो वर्क फ्लो वर्क ठीक है तो यहां पे हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है जितने भी आंसर किया है वेरी गुड जिन्होंने मेरे डराने पे बदल दिया है उनको जीवन में भी बहुत कुछ सीखना है कि ऐसे डरते नहीं है एकदम से ठीक है ना तो बिल्कुल ए इज दी करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है क्लियर है चलिए इंक्रीज इन ऑफ़ सिस्टम रिप्रेजेंट सिस्टम में एंट्रोपी का इंक्रीज होना क्या रिप्रेजेंट करता है तो बताइए इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंट सिस्टम में एंट्रोपी का इंक्रीज होना बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है हमने हमेशा से बोला है एंट्रोपी का बढ़ना मतलब एफिशिएंसी का घटना सिस्टम में भाई ज्यादा रैंडमनेस फैलेगी तो उतनी ज्यादा दिक्कत क्लियर है तो ऐसे में जो है इंक्रीज इन एवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी बिल्कुल नहीं इंक्रीज इन टेम्परेचर नो इंक्रीज इन डिग्रीज इन प्रेशर नो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी साफ है बच्चों डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी का क्या लिखा है ऊर्जा का ठीक है तो समझ लीजिए दैट इज डिक्रीज इन एनर्जी डिग्रेडेशन इन एनर्जी एनर्जी का पतन हो रहा है यहाँ दैट इज डी इज करेक्ट आंसर ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही 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 दोनों आंसर हैं बच्चों के बहुत ही एडवांस और समझदार बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मैकेनिकल में बहुत ही ज्यादा उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट है हमारे पास अब परपेचुअल मोशन मशीन इज एक पी मशीन क्या है बच्चों दैट इज अ थर्मोडायनेमिक मशीन अ नॉन अर्मोडायनेमिक मशीन अ हाइपोथेटिकल मशीन ट दॉ थर्मोम बताए बच्चों क्या हो सकता है नॉन थर्मोडायनेशीन हाइपोथेटिकल मशीन ऑपरेशन लॉ ऑफ थर्मोडायन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत आसान है बच्चों आंसर करना कोई ऐसी समस्या नहीं है क्योंकि आप सबको पता है कि भाई ए आर बी तो आंसर नहीं है ठीक है ए और बी तो आंसर नहीं है है एक हाइपोथेटिकल मशीन है लेकिन हाइपोथेटिकल मशीन ही कहना बहुत है या फिर जो थर्मोडोनिम्स के लॉ को वायलेट करती है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है डी इज दी करेक्ट आंसर तो सभी का आंसर डी है आज वेरी गुड तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस देखो थर्मल के कितने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं पंद्रह ना अभी जब हम करेंगे 2016 का पेपर से 2016 का तो सर मैंने करा दिया ना पेपर तो आपने देखा होगा वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लेवल है अभी जो आने वाला पेपर होगा थोड़ा और अच्छा होगा ठीक है उसमा अरे यार मतलब हिंदी तो यार जबरदस्त उसमा प्रवैगिक कानूनों का उल्लंघन जबरदस्त ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में कोई सजा लायक काम हुआ है टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इट्स हीटिंग वैल्यू कैंटिंग कैसे मल तो बच्चों मैंने बहुत बार करा रखा ये क्वेश्चन ऑलरेडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हमने बताया था कि टेम्परेचर ऑफ अ गैस जो प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है मोलिक्युलर लेवल के कोलोजन से होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी से होता है ठीक है ना so तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ठीक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल तो सबका आंसर बिल्कुल सही है एक भी बच्चे का कोई भी गलत आंसर अभी तक नहीं निकला है बिल्कुल सही निकला है तो मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है ना बी विल बी दी करेक्ट आंसर वेरी गुड वेरी गुड चलिए चलिए अच्छा गूगल ट्रांसलेट का कमाल है खतरनाक देख लो मतलब गूगल की हिंदी हम लोगों से कितनी बेहतर है है ना हम लोगों को सीखने में इतना जन्मों लग जाएंगे क्या है यार ऐसी हिंदी लिख के तो मतलब हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि हम बोल क्या भाषा रहे हैं हमारी भाषाओं को तो अलग ही नाम दे देना चाहिए है नहीं रोजमर्रा की हिंदी इस टाइप का कुछ द लेवल ऑफ़ ऑयल इन इंजन सिलेंडर शुड बी चेकड ये क्वेश्चन भी हमने लिया था आई थिंक मुझे जैसा ध्यान आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में हमने ये क्वेश्चन लिया था कि लेवल ऑफ ऑयल इंजन क्योंकि इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था कि सर ये क्या मतलब वो बात है कि एग्जैक्टली exactly कैसे हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑयल इंजन इंजन ऑयल का जो लेवल है सिलेंडर में उसको चेक करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ड्यूरिंग आइडलिंग ड्यूरिंग क्रैंकिंग या वाइल रनिंग तो सीधी सी बात है बच्चों इंजन ऑयल के बिना जो है बिना लुब्रिकेशन के इंजन को चलाना ही बेवकूफ़ी है तो इसलिए हम लोग कहते हैं हमेशा कि स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए दैट इज ए बिफोर स्टार्टिंग तो बड़ा घरेलू क्वेश्चन था ये ए विल बी दी करेक्ट आंसर विच पार्ट इज़ नॉट कॉमन बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल इंजन पेट्रोल और डीजल इंजन में कौन सा पार्ट कॉमन नहीं है ये भी बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक है ना हर घर में ये बात पता है कि फ्यूल इंजेक्टर बैटरी एग्जॉस्ट साइलेंसर और एयर क्लीनर तो सबको पता है इज़ कॉल्ड योर फ्यूल इंजेक्टर डी करेक्ट आंसर ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन बाय एडिंग टेट्राइथ टीईएल बच्चों आपको याद होगा लेड और टी एल और क्या था टेट्रा लेड टी एम एल तो यहां पे हमने बताया था आइसो ऑक्टेन में मिलाते हैं क्यों

बट फिर भी अब गलत में से भी अच्छा चूज करना है तो बी को चूज कर लेते हैं हमारा भारी मत भी बी के लिए ही आ रहा है तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक है ना बी विल करेक्ट आंसर अ कार्बोरेटर प्रॉपर्टी एडजस्टेड अ सी लेवल विल अ कार्बोरेटर प्रॉपर्टी एडजस्टेड अ सी लेवल ठीक है ना काबोरेटर प्रॉपर्टी एक सेकेंड है चलो अ कार्बोरेटर प्रॉपर्टी एडजस्टेड अ सी लेवल विल सप्लाई टू रिच मिक्सचर एट हाई एल्टीट्यूड टू लीन मिक्सचर एट हाई एल्टीट्यूड सम मिक्सचर एट हाई एल्टीट्यूड स्टॉक्यूमेट्री मिक्सचर एट हाई एल्टीट्यूड तो बच्चों हाई एल्टीट्यूड में क्या है देखिए एयर की डेंसिटी हाई एल्टीट्यूड में क्या है एयर की डेंसिटी जो है वो कम है, है ना आपको उसी के हिसाब से आंसर यहाँ पे करना है तो आपको मिक्सचर कैसा चाहिए होगा रिच मिक्सचर चाहिए होगा यहाँ पे ठीक है ना तो अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो हमें क्या चाहिए होगा रिच मिक्सचर चाहिए होगा तो रिच मिक्सचर मतलब ए विल बी दी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है जितेश प्रसन्नजीत राजेश प्रीति रजत अजय तनुजा बबलू अविनाश खान इन सभी की फरमाइश पे ए आंसर को हम लोग टिक करते हैं ठीक है रीजन मैंने आपको बताई दिया क्योंकि लो डेंसिटी आता है हाई एल्टीट्यूड में भी बड़े बेसिक क्वेश्चन या तो उस टाइम पे पेपर ज्यादा ईजी चला है आइसो ऑक्टेन क्या है बच्चों इनमें से बताइए आइसो ऑक्टेन सी एट एच सी एट एच एटीन टेन ट्वेंटी टू ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स या फिफ्टीन थर्टी टू यह भी मेरे ख्याल से पढ़ाई होगा सबने क्या होता है बताएं, 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 बताएं जल्दी मेरे ख्याल से सभी लोग आंसर कर देंगे इसका सही क्योंकि तो ये भी हमने जिक्र तो कहीं ना कहीं किया ही होगा क्वेश्चन भी लिया ही होगा आई ऑक्टेन ऑक्टेन से याद रखो ना ऑक्टेन आर्ट ऑक्टेन से आर्ट याद रखो बच्चों, अपने आप याद रहेगा आपको ठीक है ना और ऑक्टेन से आठ याद रखोगे तो इसका मतलब सी एट एच एटीन ए विल आंसर तो ऑक्टेन इसलिए तो बोल रहे हैं ना तो सी एट एच एटीन ठीक है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है समझ आ गई बात क्लियर है तो दैट इज़ विल बी करेक्ट आंसर सिंपल है अगला क्वेश्चन फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर इसे फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर तो बच्चों सेम मैक्सिमम प्रेशर एट टेम्परेचर की बात कर रहा है कंप्रेशन रेशियो सेम की बात नहीं कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा तो हमने क्या बोला था सेम कंप्रेशन रेशियो बोले तो ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट और कंप्रेशन रेशियो सेम ना बोले उसके अलावा कुछ भी बोले तो डीजल साइकिल इज मोर एफिशियंट तो बस यहां आंसर आप आप उसी हिसाब से कर लेंगे दैट इज डीजल साइकिल इज मोर एफिशियंट देन ऑटो साइकिल ठीक है तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर बी विल बी दी करेक्ट आंसर क्लियर है सबका सही है वेरी गुड आज देखो अस्सी से हो गए पचास क्या करें बच्चों का ऐसा क्या करें कि बच्चे पढ़ने लग जाएं सब या लाइव आने लग जाएं बताओ बच्चों सजेस्ट करो कुछ ऐसा क्या करें ऐसी हेडिंग डालें कि इस बार पेपर में यही आएगा ऐसा कुछ थंबनेल में डालें या थंबनेल में कुछ ऐसा डालें कि ये नहीं किया तो जीवन ही बेकार है तुम्हारा ऐसा कुछ डालें कुछ इस तरह का डालेंगे तो शायद लाइव भी ज्यादा आ जाएंगे द कर्व शोन इन द गिवन फिगर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीजल इंजन वट एक्सिस रिप्रेजेंट तो देखो जो आपको कर्व दिखा रहा है ये दिखा रहा है डीजल इंजन की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो आपको कह रहा है और पावर और किसके बीच में ये कर्व होगा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो जब मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूँ बच्चों तो, तो स्पेशली चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना ले क्योंकि वो उस क्वेश्चन के लिए बोलूंगा जिसका मुझे लगता है कि ये रिपीट होगा कहीं ना कहीं ठीक है ना क्योंकि वो सबसे कम रिपीट हुआ होगा ठीक है तो यहां पे क्या बोल रहा है दैट इज वाई एक्सिस यहां पे इस कर्व में क्या शो कर रहा है बच्चों ये आपसे पूछ रहा है तो देखिए पावर का ग्राफ है और पावर के साथ क्या हो रहा है वो वाई एक्सिस का कंपोनेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है तो जैसे जैसे पावर है वैसे वैसे, वैसे बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है पावर के साथ एफिशिएंसी तो ऐसे बढ़ नहीं सकती एफिशिएंसी तो गिरते हुए होनी चाहिए पावर के साथ आपका फ्यूल जो है फ्यूल का यूज बढ़ सकता है फ्यूल का कंजप्शन बढ़ सकता है ऐसे तो अब देखें यहां पे हम स्पेसिफिक फ्यूल कंजन या टोटल तो स्पेसिफिक और टोटल दो दिए हैं बच्चों यहां पे ठीक है ना स्पेसिफिक या टोटल दिया है तो क्या होगा बताओ ये इंपॉर्टेंट है अगर स्पेसिफिक होता तो ये जीरो से स्टार्ट होता टोटल है तो ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ठीक है कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये ऊपर से हो रहा है इसका मतलब इसका मतलब है ये टोटल फ्यूल कंजन है डी विल बी दी करेक्ट आंसर डी विल बी दी करेक्ट आंसर नॉट स्पेसिफिक फ्यूल कंजन ठीक है अंतर समझिएगा डी है करेक्ट आंसर आपका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इन अ पेट्रोल इंजन बाय मिस्टेक डीजल फ्यूल को डाल दिया जाए ये तो सब वही क्वेश्चन आ रखे हैं जो बचपन से पढ़ रहे थे हम लोग या तो 2015 ही हमारा बचपन था इफ इन अ पेट्रोल इंजन बाय मिस्टेक डीजल फ्यूल इज सप्लाइड देन इंजन विल बी तो मिस्टेक से पेट्रोल में डीजल पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा तो हमने कहा था बच्चों उस इग्निशन टेम्परेचर पर वो नहीं चलेगा तो इसका मतलब क्या होगा दैट विल चलो करो पहले आप लोग आंसर करो आप लोग का पढ़ के उसके बाद हम जवाब दें क्या होगा बताइए भाई डीजल में पेट्रोल डाल दोगे तो एक बार का चांस है कि जल्दी जल जाए और वो ब्लास्ट व्लास्ट करने का डर है लेकिन पेट्रोल में डीजल डाल दोगे तो चलने का कोई चांस नहीं है बच्चों क्योंकि नॉट रन बिल्कुल नॉट रन <laughs> ये वाली हिंदी हमारे लायक है ये नहीं चलेगा नॉट रन मतलब नहीं दौड़ेगा वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी था ए आंसर है ये तो मतलब वो क्वेश्चन है बच्चों जो 2011-12 के टाइम पे ना वाइवा में टीचर पूछा करते थे कि हमने कुछ नया पूछा है ऐसे करके पूछा करते थे टीचर चलो चलो बढ़िया है पर आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बढ़िया है क्वेश्चन इफ द लुप्रिगेंट फॉर एन ऑटोमोबाइल टू बी यूज अंडर सब जीरो टेम्परेचर इज टू बी सिलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल गेट प्रायोरिटी कंसडरेशन अच्छा अगर लुब्रिकेट इफ द लुब्रिकेट फॉर ऑटोमेल इज टू यूज़ अंडर सब जीरो टेम्परेचर इज टू बी सिलेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विल भी प्रायरिटी कंसडरेशन कौन सी प्रॉपर्टी को हम प्रायरिटी देंगे उसके ऑप्शन कहा है एक सेकंड आगे होंगे अच्छा कैलोरफिक वैल्यू फोर पॉइंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कार्बन कंटेंट ऐसा पेपर आ जाए तो मेक इट इजी ऐसा पेपर आ जाए तो मेक इट इजी क्या बेटा सभी के क्लासेस चल जाएंगे ऐसा भी ना आए पेपर ठीक है ना ताकि हर इतनी मेहनत करने के बाद हर हलवे का कनेक्शन सिलेक्शन हो जाए तो क्या ही जो मज़ा है तो ऐसा भी बिल्कुल ना आ जाए ठीक है तो बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो इफ द लुब्रिकेंट ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज़ टू बी यूज अंडर सब जीरो टेम्परेचर तो वो कह रहा है कि जो लुब्रिकेंट है आपका लुब्रिकेंट हमारा क्या है ऑटोमोब में जो यूज़ कर रहे हैं अंडर सब जीरो टेम्परेचर पे आप यूज़ कर मतलब जीरो से नीचे इज़ टू तो बी सिलेक्टेड तो फिर कौन सा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं आपको याद होगा दैट इज़ कॉल्ड पोर पॉइंट बच्चो दैट इज़ कॉल्ड पोर पॉइंट तो जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो पोर पॉइंट हो जाती है अब मैंने आपको कहा था कि एक सेशन में जरूर डालूंगा भले मैंने अभी तक डाला नहीं है तो मैंने कल भी एक सेशन नोट करवाया था बच्चों मैंने याद दिलाना कल एक सेशन क्या नोट करवाया था मैंने मैं ज़रा फिर भूल जाऊँगा मैं इस हफ़्ते नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं एक पेपर में मुझे एक बार बताओ कल मैंने एक सेशन के लिए बोला था कि इस हफ्ते में आपका एक सेशन डालूंगा स्पेशल सेशन बताइए क्या जल्दी याद लाओ क्योंकि उसमें मुझे एक ये भी डालना है उसमें मुझे एक सेशन ये भी डालना है कि आपको पोर पॉइंट क्लाउड पॉइंट ठीक है ना ये मैंने एक सेशन आपका जरूर अपलोड करूंगा जिसमें यह कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि सारे पॉइंट का मतलब क्या होता है हाँ टर्बुलेंट फ्लो ना टर्बुलेंट फ्लो बोला था मैंने बिल्कुल 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 याद आ गया तो ये मैंने अभी स्लिप में लिख दिया है दोनों सेशन ताकि याद रहेंगे और इसे पिन अप करके यहाँ लगा देते हैं ताकि याद रहे कि ये सेशन जो है जल्द से जल्द आगे बनने हैं क्योंकि जब भी स्पेशल सेशन की हम सोचते हैं तो टॉपिक में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्या तो जल्दी हम इन पर सेशनस करेंगे क्लियर है चलिए

ठीक है ना देखा होगा आपने फ्यूल पंप से नोजल तक जाता हुआ हमारे पास पाइप दिखाई देता है बच्चों मेटेलिक पाइप तो स्टील का पाइप तो बिल्कुल स्टील इज दी करेक्ट आंसर अब पूछ सकते हैं क्यों स्टील का होता है क्यों रबड़ का पाइप क्यों नहीं होता है क्योंकि बच्चों फ्यूल पंप काम क्या कर रहा है प्रेशराइज प्रेशर बढ़ा रहा है तो प्रेशराइज फ्यूल जाता है प्रेशराइज फ्यूल जाता है तो फिर किसी और मटेरियल का यूज करने में रिस्क रहता है तो फिर प्रेशराइज फ्यूल लगभग लगभग एक मेगा एक सौ चालीस तीस के आसपास रहता है वन थर्टी फोर्टी के आसपास तो फिर ऐसे में हमें स्टील का यूज करना ही बेहतर रहता है मेटल का ठीक है तो दैट्स वाई वी यूज सी स्टील इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बैफल्स आर प्रोवाइडेड ऑन बैफल्स किस में प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों टू स्ट्रोक इंजन में एयर कूल्ड इंजन ओनली स्लो स्पीड इंजन ओनली या डीजल इंजन ओनली जल्दी बताएं बैफल्स आर प्रोवाइडेड ऑन बेफल्स आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले बैफल प्लेट्स करके बॉयलर में ठीक है ना तो बॉयलर में सुना होगा तो ऐसे ही यहाँ बॉयलर से रिलेटेड क्या हो सकता है टू स्ट्रोक इंजन स्लो स्पीड इंजन डीजल इंजन नहीं एयर कूल्ड इंजन बच्चों उसी के लिए हम लोग बैफल्स का यूज़ करते हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस बनाने के लिए दैट इज़ कॉल्ड बी इज़ दी करेक्ट आंसर ठीक है बी इज दी करेक्ट आंसर क्लियर है बच्चों चलिए और सभी बच्चों एक दो तीन मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको पहली बात कि जिस भी बच्चे पे जिसने हमें पहले भेज रखे हैं पेपर उसको दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जिस भी बच्चे पे कोई भी पीएसयू या स्टेट लेवल का पेपर उसके पास है तो ज़रूर भेजें रेगुलर बच्चे भेज रहे हैं लेकिन ज़रूर भेजें एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार हो रहा है तो ज़रूर भेजें बच्चों ठीक है ना जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको आने वाले टाइम में तो प्लीज़ जिसके पास भी बच्चे के पास स्टेट या किसी भी पी का कोई भी पेपर है उसको ज़रूर भेजें क्लियर है ठीक है टेलीग्राम में एट वन टू सिक्स थ्री नाइन एट एट टू एट अब एक जबरदस्त ऐड यहाँ पे देते हैं कि वह हमारी ऐप है मेक इट जी एंड्रॉयड ऐप आप, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कई तरह के कोर्सेज हैं उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं जिसमें आप करना चाहते हैं दूसरी हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू डॉट मेक इटीजी हब डॉट कॉम ठीक है इन दोनों का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं और तीसरा हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ इस टाइम आप प्रेजेंट हैं थैंक यू वेरी मच चलिए ऐड खत्म अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट कि इन लंका शहर बॉयलर द इकोमाइजर इज लोकेटेड तो बच्चों इकोनोमाइजर कहां लोकेट होता है तो एयर प्री हीटर से नीचे और सुपर हीटर के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन क्या है बिफोर एयर प्री हीटर आफ्टर एयर प्री हीटर बिटवीन फीड पंप एंड बॉयलर या नॉट यूज बताएं बच्चों अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन अच्छा है तो आफ्टर तो एयर प्री हीटर है नहीं तो बी तो हटा ही दो सबसे घटिया ऑप्शन तो हटा दो पहले आफ्टर एयर प्री हीटर अब बचा ए सी और डी अब डी तो चलो छोड़ो नॉट यूज भी हटा दो ए और सी फीड पंप बॉयलर तो फीड पंप लगता है बच्चों ड्रम uh, के बाद या फीड पंप लगता है इकोनोमाइजर के बाद तो फिर ये भी हट जाएगा सी तो बचेगा क्या ए बिफोर एयर प्री हीटर ए करेक्ट आंसर एयर विल बी करेक्ट आंसर ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कह रहे अपना नंबर लिख दो सर वैसे भी कुछ लिख तो रहे नहीं है बोर्ड में तो इससे अच्छा नंबर लिख देते एट वन टू सिक्स थ्री नाइन एट एट टू एट प्लीज़ बच्चों इस पे जब भी आप फ़ोन करते हो अच्छी बात है आप फ़ोन करते हो लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि फ़ोन कोशिश करो वर्किंग आवर्स में ही करो है ना मतलब एक आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है हम कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं लेकिन अगर कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी सब कुछ अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके हमारे लिए बैठ जाए ठीक है ना वो करते हैं वो उनका और हमारा अपना प्यार और अपनापन है ठीक है कि आपके फ़ोन वो आठ बजे भी उठा दे रहे हैं लेकिन बच्चे ग्यारह बजे फोन कर रहे हो बेचार उठा भी दे रहे मैं बोलता हूँ मत उठाया करो ग्यारह बजे कोई तू थूके गया अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है मानो ऐप नहीं चल रहा या किसी को कोई दिक्कत आ जा रही है अचानक या उसकी गलत आई डी वजह से होता है जनरल ऐसा कुछ भी ऐसा होता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए कि सर ऐसा ऐसा हो गया है वो देख के तुरंत एक्शन लिया जाएगा लेकिन समझो कोई बच्चे तो एक बजे कॉल कर दे रहे हैं रात को बताओ आप पढ़ रहे हैं आप जग रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग जग रहे हैं ठीक है और मेरी भी गलती रही है इसके बीच में मैंने कई बार रिप्लाई एक दो बजे कर दिया बच्चों को तो बच्चों को लगता है सब खुला है ऑफिस स्टेशन थोड़ी ना है बेटा तो ध्यान रखें कि आप वर्किंग आवर्स में ही कोशिश करें कॉल करने की जब तक कोई बहुत एमरजेंसी नहीं है तो मतलब दैट इज़ इन नाइन ए एम टू और फिर भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है नाइन ए एम टू सिक्स पी एम तो रहते ही हैं अवेलेबल ठीक है बाकी इन केस कोई एमरजेंसी है ठीक है जैसे कि आप सिक्स पी एम टू सिक्स पी एम टू एट पी एम भी कर सकते हैं टू एट पी एम यहाँ तक भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो वैसे तो मोस्ट प्रायोरिटी ये है इन केस ऑफ एमरजेंसी ये है ठीक है और इसके बाद तो तभी है बच्चों जब बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि आपको बिना बात करे आपका काम होने ही नहीं वाला है तो ऐसा भी मत तभी करें कि भाई इसके बाद भी जब कुछ ऐसी समस्या आती है तो मैसेज ही करें उसके बाद ठीक है ना तो 8 पीएम के बाद अगर आपको कुछ कहना है तो ओनली मैसेज हर मैसेज के आपको सुबह को रिप्लाई आएगा टेलीग्राम में जो भी आप करेंगे चलिए लोकोमोटिव बॉयलर प्रोड्यूस स्टीम एट लोकोमोटिव बॉयलर स्टीम एट मीडियम रेट लो रेट वेरी हाई रेट जो हमने सिलेक्शन सीरीज में भी बच्चों क्वेश्चन लिया था कि हमें किस रेट पे जो है तो हमने पहले भी पढ़ा है दैट इज एट वेरी हाई रेट तो सी सी विल विल बी बी करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्लियर है अच्छा इसमें बच्चों ने कईयों ने आंसर लो रेट किया है और कईयों ने आंसर मीडियम रेट किया है पर यहाँ पे किसके कंपेयर में बोले हम ये बात तो ये भी है ना किसके कंपेयर में बोले हम ये मीडियम रेट और हाई रेट प्रेशर नहीं बोल रहा बच्चों प्रेशर आप प्रेशर के हिसाब से आंसर कर रहे हो क्या प्रेशर के हिसाब से आंसर नहीं करना है आप पंद्रह से बीस बार प्रेशर बोल के लो रेट है रेट रेट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस ये रेट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस है बच्चों पर आवर के हिसाब से रेट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस मतलब कैपेसिटी वेपोरेटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है ठीक है प्रेशर की बात नहीं कर रहा है यहां पे प्रेशर तो आपका लो प्रेशर में ही आ जाएगा लेकिन यहां पे बात कर रहा है आपके उसकी इवेपोरेशन रेट की तो इन जनरल उसकी कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए क्योंकि इस बहुत बड़ा बॉयलर नहीं होता है ना तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो फिर आपका थोड़ा सा हाई हमें मिलता है हाँ मतलब वेरी हाई तो नहीं बोल सकते बट इसमें हाई रेट ऑप्शन ही नहीं है ठीक है ना तो इवापोरेटिंग कैपेसिटी की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो या तो हम मीडियम रेट बोल सकते हो फिर भी वैसे बट अब इसमें आंसर देखना पड़ेगा आंसर की वाले ने क्या दिया है पेपर में क्योंकि वैसे मीडियम रेट चल सकता है क्योंकि वेरी हाई रेट तो थोड़ा बोलना बेकार है ठीक है ना अब वाटर बॉयलर के कंपेयर नहीं कर रहा बच्चों अपनी ही कैटेगरी में देख रहा है वो तो यहाँ पे एक फाइनल आंसर तो हमें करना होगा तो मेरे हिसाब से आंसर कर दीजिए आप फिर लो रेट तो रहने दीजिए फिर आंसर आप कर दीजिए मीडियम रेट वेरी लो रेट देखो बी और डी तो हटा दो ये तो नहीं करेंगे आप आंसर वेरी हाई रेट या फिर मीडियम मीडियम रेट कर दीजिए फिर आंसर बट चलो छोड़ो इसको पहले आंसर की में देख लेंगे यूपीआर ने अपनी आंसर की में क्या किया है क्योंकि मीडियम रेट बोलेगा तो भी गलत नहीं है और फायर ट्यूब बॉलर के कंपेरिजन में बोलेगा वेरी हाई रेट तो भी गलत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता वो वाटर ट्यूब बॉयलर के हिसाब से बोलेगा क्योंकि क्या है ना वाटर ट्यूब बॉयलर के कंपेरिजन में इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर बहुत बड़ी कैपेसिटी का बॉयलर इसलिए होता है क्योंकि बड़ा बॉयलर होता है तो वो बड़ी पावर प्रोड्यूस कर रहा होता है तो यहां पे उतनी ही पावर अगर प्रोड्यूस करनी है हमें इससे तो यहां उससे बहुत कम पावर तो कम बहुत तेजी से हो रही है तो इसलिए हाई रेट में आ जाता है वो ठीक है ना तो इसलिए अभी मेरे हिसाब से मीडियम रेट आंसर रखते हैं बाकी इसकी चेक कर लेंगे इसके अपनी आंसर की में क्या आया था यूपीएल में दो के केस में ठीक है आंसर जो है उसने क्या दिया था ठीक है दो शब्द और लिख देता है एग्जामिनर सही बात है वो तो देना ही चाहिए बच्चों क्वेश्चन अगर दे एग्जामिनर तो थोड़ा सा ढंग से पूरा दे ऐसी हवा में बातें छोड़ेगा तो फिर हमें भी हवा में ही तीर पकड़ने पड़ेंगे दैट इज मीडियम रेट बोल देते हैं फिलहाल फॉर द सेम डाया एंड थिकनेस ऑफ अ ट्यूब और इसका कुछ कर नहीं सकते बच्चों आप अगर इसका ये आंसर आप करके आते हो पेपर में और गलत हो जाता है तो ऐसे में हमसे पूछ रहा है कि फॉर द सेम डाया एंड थिकनेस ऑफ अ ट्यूब उसी डाया और थिकनेस की अगर हम ट्यूब यूज कर रहे हैं फायर ट्यूबल में तो एज कम्पेयर ये सेम क्वेश्चन हमारे पहले सेशन में नहीं था कहीं तो लिया है ये सेम क्वेश्चन अभी हमने रिसेंट में मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि मोर हिटिंग सरफेस किस में है ये अभी तो लिया था हमने ये क्वेश्चन इसी में लिया था या किस में लिया था लेकिन ये क्वेश्चन हमने इसी पेपर में लिया था शायद कहीं ठीक है ना कि मोर क्या होगा मोर हिटिंग सर्फेस कि लेस हिटिंग सर्फेस आपको क्या बोल रहा है बताओ फायर ट्यूब बॉयलर एज कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमने पीछे ही कहीं लिया है एक सेकेंड ना पता नहीं कहाँ लिया है लेकिन अभी मुझे लगता है जिक्र हुआ था कल किसी सेशन में इसका हाँ एनर्जी लॉस इन नहीं, नहीं 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 एनर्जी लॉस नहीं पता नहीं किस सेशन में लिया था लेकिन अभी हमने जिक्र किया था किसी सेशन में इसका तो यहां पूछ पूछा है फॉर द सेम डाया एंड थिकनेस ऑफ अ ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर एज कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर हैज़ तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है लेस हीटिंग सर्फेस होता है तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर ठीक है लेस हीटिंग सर्फेस दैन वाटर वाटर में आपका हायर हीटिंग सर्फेस बॉयलर के एम सी क्यू में यस 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 अब याद आया प्रीति ने सही याद दिलाया कि कहीं तो हमने लिया था ये क्वेश्चन बिल्कुल बॉयलर के एम सी क्यू में लिया था मैं वही याद आ रहा था कि कहीं तो लिया था अब याद आ गया बॉयलर का जो एम सी क्यू किया था उसमें हम लोगों ने यह क्वेश्चन लिया था ठीक है ना वेरी गुड एक सेकेंड ना एक सेकेंड बच्चों हैं ठीक है ना हाँ सेम क्वेश्चन हमने बॉयलर में लिया था तो आपकी शीट में बच्चों एक क्वेश्चन है सेम सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन फायर टी बॉयर एज कम्पेयर टू वाटर टी बॉयर तो दैट इज अ लेस हिटिंग सरफेस बी विल बी दी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है मैं वही चेक कर रहा था बस और कुछ नहीं लेस हिटिंग सरफेस वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अ बॉयर इज मेड बाय अ पंप देन इट इज नोन एज बताइए बताएं, बताएं बच्चों बताओ कि इफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन अ बॉयर में जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है इज मेड बाय अ पंप अगर पंप से किया जाए तो फोर सर्कुलेशन मतलब इसमें जो क्या ही जो पूछा जाना तो है तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर बी विल बी दी करेक्ट आंसर क्लियर है बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर तो दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम फॉर कंबशन ऑफ अ मिथेन इन एयर इज तो बताइए बच्चों यहाँ बाय वॉल्यूम बोल रहा है बाय मास नहीं ठीक है बाय वॉल्यूम आपको बताना है कि मिथेन के कम्बसन के लिए मिथेन इन एयर के कंबेशन के लिए कंबेशन ऑफ इन एयर स्टॉक्योमेट्रिक फ्यूल रेशियो क्या होगा मतलब एयर में अगर हम मिथेन का कम्बसन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एयर फ्यूल रेशियो हमारा एक केमिकली करेक्ट क्या होगा बाय वॉल्यूम इन जनरल तो हम फिफ्टीन इज टू वन जानते हैं लेकिन बाय वॉल्यूम बोलेगा तो नाइन पॉइंट फाइव टू इज टू वन सी इज दी करेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा गलती ना करिएगा सी इज दी करेक्ट आंसर नाइन पॉइंट फाइव टू ठीक है और इन जनरल वैसे बोलते हैं तो दैट इज टू वन बट यहाँ पे आंसर रहेगा सी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन द द द द डिवाइस डिवाइस टू टू बॉयलर बॉयलर वेन रिक्वायर्ड एंड टू डिस्चार्ज द मड स्केल ऑफ सेडिमेंट विच आर एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर इज नोन एज तो बच्चों सबको पता है कि हमारे पास जो मड जमा हो रहा है उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लो ऑफ कॉक ब्लो ऑफ कॉक इज करेक्ट क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ ग्लास ट्यूब इन अ ग्लास ट्यूब टाइप वाटर लेवल इंडिकेटर फॉर अ बॉयलर मुझे इसलिए लग रहा है रिपीट हो रहे क्वेश्चन कल मैंने बॉयलर सेशन कराया परसों और बॉयलर सेशन में ये सब क्वेश्चन हमने लिए मैं बच्चों तो हमारी शीट में ये सारे क्वेश्चन प्रेजेंट हैं ऑलरेडी जबकि हमने यूपीआर को कंसिडर नहीं किया था अपनी शीट में उस टाइम तक पर वही है कि जहां से भी शीट बनी है उन सब में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कहाँ से उठाए थे क्वेश्चन बहुत अच्छा है इन अ ग्लास ट्यूब वाटर वाटर लेवल इंडिकेटर फॉर अ बॉयलर वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू वाटर स्पेस एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू बात है स्टीम बिल्कुल सेम टू सेम से चलिए तो यहां पे ऑप्शन है आपके पास चिमनी सुपर आउटलेट फॉर सुपर स्टीम स्पेस इन ड्रम या वाटर स्पेस आल्सो तो दैट इज सी स्टीम स्पेस इन ड्रम ठीक है यहाँ पे आपका वाटर लेवल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं ना हाँ तो ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टीम स्पेस आंसर रहेगा क्योंकि ग्लास ट्यूब जो होता है आपका पता है आपके ड्रम में ही कनेक्टेड होता है जो वाटर लेवल इंडिकेटर होता है वो आपके ड्रम में ही कनेक्टेड होता है तो एक तरफ वाटर होता है एक तरफ स्टीम होती है इस तरह से और ये आपका सिस्टम लगा होता है वाटर लेवल इंडिकेटर का समझा रखा है मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक है ना बड़े अच्छे फिगर के साथ तो यहाँ पे एक तरफ आपकी जो है कनेक्टेड होगा उस वाटर में तो दूसरी तरफ स्टीम स्पेस इन ड्रम ठीक है क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है आंसर यहाँ पे सुपर स्टीमेड आउटलेट फॉर सुपर बोलता है सुपर तक तो बात ही नहीं गई है सुपर तो उसके बाद ज़्यादा है वो ठीक है ना तो ये गलत है सुपर वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर जो रहेगा वो सी करेक्ट रहेगा ठीक है चलिए फंक्शन ऑफ फीड चेक वॉल्व इज यूज फॉर फीड चेक वॉल्व का फंक्शन क्या है बच्चों रेगुलेट वाटर सप्लाई इन द बॉयलर रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम रेगुलेट द फ्लो पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस या इंडिकेट वाटर लेवल इन द बॉयलर तो बच्चों सी और डी तो हटा दीजिए बचा क्या रेगुलेट वाटर सप्लाई इन द बॉयलर या रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम तो स्टीम से कोई लेना देना नहीं है रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर ए विल बी दी करेक्ट आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे स्पॉट द ऑड वन आउट स्पॉट द ऑड वन इसमें से अजीब सा कौन सा है ऑड वन मतलब यही तो हुआ इसमें विषम अच्छा विषम सही वर्ड है बट फिर भी हम बोले इनमें सबसे अलग क्या है स्पेसिफिक एंथेल काइनेटिक एनर्जी वर्क प्रेशर क्या लगता है स्पेसिफिक एंथेल काइनेटिक एनर्जी वर्क प्रेशर अब देखो काइनेटिक एनर्जी वर्क प्रेशर क्या अलग हो सकता है और फिर यह भी जानना पड़ेगा क्यों अलग हो सकता है ये भी तो है क्या लगता है क्या अलग हो सकता है इसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव के हिसाब से देखें तो प्रेशर हमारा इंटेंसिव है स्पेसिफिक इंथेलपी भी इंटेंसिव है कैनेटी एनर्जी एक्सटेंसिव है वर्क भी एक्सटेंसिव है तो ये तो नहीं है तरीका दूसरा क्या हो सकता है हाँ एक चीज़ हो सकती है बच्चों क्या आपको क्या लगता है वर्क पाथ फंक्शन स्पेसिफिक एंथेल्पी काइनेटिक एनर्जी वर्क तो नहीं हो सकता अलग नहीं 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 सब सी सी क्यू बोल रहे हैं वर्क अलग लगता है आपको ऑल इंटेंसिव एक्सेप्ट वर्क काइनेटिक एनर्जी किसने का इंटेंसिव है एनर्जी एक्सटेंसिव है बच्चे काइनेटिक एनर्जी किसने का एक्सटेंसिव है गलत गलत बता रहे हैं आप बिल्कुल गलत भाई प्रेशर और स्पेसिफिक स्पेसिफिक लग गया तो स्पेसिफिक मतलब इंटेंसिव हो गया ना तो प्रेशर और स्पेसिफिक एंथेल्पी तो आपकी इंटेंसिव हो गई कानेटिक एनर्जी और वर्क आपका एक्सटेंसिव हो गया तो वो वाली बात तो हट जाती है वर्क पाथ फंक्शन है ये वो अच्छा पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन भी देख लें स्पेसिफिक एंथेल्पी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है प्रेशर प्रॉपर्टी है कानेटिक एनर्जी कहाँ प्रॉपर्टी है बच्चों वर्क इज अ पाथ फंक्शन नहीं जो आप सी का अंदाजा लगा रहे हैं वो तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपके जवाब से कुछ और आइडिया लगाइए क्या हो सकता है आ, एक चीज हो सकती है कि एंथेल्पी इज एनर्जी ऑल थर्मो प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है वर्क एनर्जी है प्रेशर इज नॉट एनर्जी स्पेसिफिक एंथैल्पी एग्जैक्टली तो एनर्जी नहीं होती है बट चेंज इन स्पेसिफिक एंथेल्पी एनर्जी होती है यार ये तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया कुछ यूनिट के हिसाब से इसमें तो मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा सही दो दो के पेयर बन रहे हैं तो हर जगह भाई स्पेसिफिक एंथेल्पी हुई कानेटिक एनर्जी हुई वर्क हुआ और आपका प्रेशर हुआ ठीक है ये आपका स्पेसिफिक एंथेल्पी है इसका मतलब ये इंटेंसिव हुआ ये एक्सटेंसिव होता है ये एक्सटेंसिव होता है और ये वापस इंटेंसिव होता है ठीक है ना तो ये वाली बात भी खत्म हो गई ठीक है यूनिट के हिसाब से देखो तो ये हमारी जूल हुई ये हमारी कानेटिक एनर्जी अब सभी जो एनर्जी है वो जूल ही होगी हाँ ये कह सकते हो यार आप एंथेलपी जो है वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो जूल में ही आएगी ये भी जूल में आएगी आपकी भाई कानेटिक एनर्जी है एनर्जी तो जूल में ही हुई वर्क भी जूल में आ सकता है प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो बच्चों डी कह लो आंसर डी कह लो प्रेशर कहीं ना कहीं उससे तो अलग ही है सब है ना तो यहाँ पे जो है हम जूल कह लेते हैं आंसर वर्क तो नहीं है लेकिन प्रेशर जो है डी कह लेते हैं आंसर मतलब कहने की बात यह अगर कोई डिफरेंस निकालना है वैसे उतना मजा तो नहीं आया लेकिन वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी लेकिन उसमें भी तो बच्चों वो नहीं है ना कैनेटिक एनर्जी नहीं नहीं ये आंसर डी फिर भी ठीक लग रहा है आंसर डी फिर भी ठीक है और कोई दिक्कत नहीं तो वर्क इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंटेसिव प्रॉर्टी एक्सपेव एंथल जूल कैसे स्पेसिफिक एंथेल्पी जूल पर केजी हो जाएगी अरे पर है तो एनर्जी एनर्जी पर यूनिट मास ही तो है एंथेल भी जूल पर के ही होती है लेकिन है तो एनर्जी कहीं ना कहीं देखो तो पूरी तरह से तो सही है नहीं मेरे को तो ये क्वेश्चन में कुछ घबरा लग रहा है या फिर ऐसा कुछ जो मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रहा हूँ ऑड वन ऑड वन और क्या हो सकता है इसमें ऑड कोई चीज़ तो दिमाग में छूट रही है एच इजिकल टू यू प्लस पी वी वर्क है इंटरनल एनर्जी है तभी एच है एनर्जी वाला ही फंडा लग रहा है मुझे तो बस तब भी आंसर डी रहेगा अगर एनर्जी वाला फंडा भी लगाते हैं तो तो चलिए खैर फिलहाल आंसर जो मुझे लग रहा है वो प्रेशर है बाकी देखते हैं कुछ नया मिलता है तो इस क्वेश्चन को यार स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन तो अगर आया है पेपर में कोई रियल आंसर है तो फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं ठीक है ना कैनेटिक एनर्जी पाथ फंक्शन होगा कि नहीं कैनेटिक एनर्जी एक्चुअली में जो है वो एग्जैक्टली पाथ फंक्शन नहीं होता है क्योंकि ये निकाली जाती है सिंबल किसी पॉइंट के विलोसिटी पे तो कैनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे मेजर हो सकती है तो फिर तो वो फंडा भी लग सकता है इसमें वर्क वाला फिर ऐसे में अरे अभी छोड़ो भाई अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में टाइम खराब नहीं करते हैं पर हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन बोले थे आपको देखने के लिए एक क्वेश्चन ये और एक पीछे था कहाँ गया ये वाला लोकोमोटिव बॉयलर तो बच्चों दो क्वेश्चन नोट करके रखेगा ठीक है दो क्वेश्चन नोट करके रखेगा लोकोमोटिव बॉयलर और ये ये वाला ठीक है उसका मीडियम हाई रेट वाला और एक ये वाला जो अभी हमने लिया डेट इज कौन सा जो है कहा गया ये स्पेसिफिक एंथल क्या बोल रहा है यूपीआर ने डी लिया था यूपीआर ने प्रेशर बताया तो वही है हमारे हिसाब से भी प्रेशर ही लग रहा है बच्चों मुझे भी आंसर ठीक है मुझे भी आंसर प्रेशर ही लग रहा है अब जो भी चाहे यूनिट का फंडा बोलो ये कहीं ना कहीं देखो ना एंथेल्पी है कैंटिंग एनर्जी वर्क है ये सभी एक तरह से क्या एनर्जी रिलेटेड है टर्म्स तो ऑड वन यहाँ पे मुझे भी प्रेशर ही नज़र आता है कि ऑड वन जो है वो प्रेशर है तो यू ने भी लिया है डी तो थोड़ा और विश्वास बनता है कि सही फिर हम लोग उसी हिसाब से क्वेश्चन बना होगा ये ठीक है तो ऐसे में डी को अभी हम करेक्ट आंसर डी रख रहे हैं ठीक है और उधर मीडियम रेट ही रख रहे हैं बाकी कन्फर्म आप कर लें ठीक लेकिन मेरे हिसाब से भी आंसर जो है वो डी ही करेक्ट आंसर है क्लियर है और कोई फंडा इसमें सही बैठा नहीं है अभी तक इसके अलावा चलिए अगला क्वेश्चन मैक्सिमम हीट इज लॉस्ट इन अ बॉयलर ड्यू टू बॉयलर में मैक्सिमम हीट लॉस तो ये भी बच्चों हमने क्वेश्चन ले रखा है कि मैक्सिमम हीट लॉस किससे होता है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जिसको हम बचा रहे हैं सबसे ज्यादा वो क्या है फ्लू गैसेस फ्लू गैसेस जो उड़ रही हैं उससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट लॉस आपको देखने को मिलता है क्योंकि फ्लू गैसेस अपने साथ सबसे ज़्यादा हीट लेके जा रही होती हैं इसीलिए तो फ्लू गैसेस से हम लोग हीट लेते रहते हैं कभी इकोनोमाइजर के थ्रू कभी सुपर हीटर के थ्रू कभी एयर के थ्रू क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट तो फ्लू अपने साथ लेके जा रही है तो इसीलिए आंसर याद रखिएगा बी इज दी करेक्ट आंसर बी रहेगा करेक्ट आंसर <laughs> राहुल उनियाल ने बहुत ही जबरदस्त टाइप का एनालिसिस किया है कि सब स्पेलिंग में ई आ रहा है मतलब <laughs> उन्होंने रीजनिंग लगाई है <laughs> वर्क में ई नहीं आ रहा है कमाल है यार कर सकते थे ऑर्डर भाई यार कुछ भी लगा लो ठीक है ना तो ब्लू गैसे प्रेशर ही आंसर याद रखेगा मेरे को प्रेशर पर विश्वास और बढ़ता जा रहा है ठीक है चलिए तो यहाँ पे आंसर ब्लू गैसेज रहेगा बी विल बी करेक्ट आंसर ठीक है जी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट रेगुलेट द प्रेशर स्ट्रोक इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ डीजल इंजन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों रिपीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन अभी तक कह रहा है यहां पे विच एलिमेंट रेगुलेट द प्रेशर स्ट्रोक इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ अ डीजल इंजन डीजल इंजन के फ्यूल इंजेक्शन पंप में कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेशर स्ट्रोक को रेगुलेट करता है प्रेशर स्ट्रोक को निडल वैल्यू निडल वॉल्व होगा ये हो वॉल्व पंप शाफ्ट कंट्रोल रैक या लिफ्ट ऑप लें हाँ बताओ ये तो चलो सुना हुआ क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है बताओ बच्चों क्या बताएं मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं है लेकिन फ्यूल इंजेक्शन पंप अगर आप देखते हो तो उसमें आपको ये टर्म सुनाई देती है तो वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं एक तरह से रैक लिमिटर बोलते हैं फ्यूल रैक लिमिटर ठीक है ना फ्यूल रैक लिमिटर टाइप होता है जो आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है उसमें ठीक है ना रैक मतलब एक वो हो गया आपका जैसे पुश बटन टाइप हो गया ना इस तरह की शाफ्ट टाइप तो वो आगे पीछे होती है ठीक है ना तो ये आपका इंडिकेटर ये फ्यूल रहेगा फ्यूल में वॉल्व टाइप की रहेगी जैसे आपकी कोई भी वॉल्व टाइप का सिस्टम हो गया आपका उसमें से तो उसको ऐसे पुश करने के तो दिस इज कॉल्ड फ्यूल रैक तो याद रखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो यूज करने वाली होती है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रैक आप बोल सकते हो या फ्यूल फ्यूल रैक नाम से आता है आपका ठीक है ना तो प्रेशर को ठीक है ना प्रेशर स्ट्रोक को रेगुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल रैक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दैट इज कंट्रोल रैक तो सी इज दी करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है सी इज दी करेक्ट आंसर रहेगा क्लियर है समझ गई बात तो याद रखिएगा विच एलिमेंट रेगुलेट द प्रेशर स्ट्रोक इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप दैट इज कंट्रोल रैक सी इज करेक्ट आंसर सही है ये कुड बी द प्रोबेबल रीजन ऑफ पावर लॉस इन डीजल इंजन डीजल इंजन में पावर लॉस का एक प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है अच्छा क्वेश्चन है क्लॉगिंग इन ऑफ एयर क्लीनर रेस्ट्रिक्टेड एग्जॉस्ट लो इंजेक्शन प्रेशर या इन इफेक्टिव कूलिंग यूथ में वर्क दिया है अरे यूथ का भरोसा क्या करें हम क्वेश्चन का कलेक्शन बढ़िया है उसमें आंसर तो अपना ही भरोसा करना पड़ेगा ना बच्चे जो आपने पढ़ा है आपको देखो आप पढ़े लिखे हो अब अब आपको संतुष्टि होनी जरूरी है आंसर में ठीक है ना जो आंसर कुछ और बता रहा है तो या तो रीजन भी दे तो यूथ में रीजन भी दिया होगा उसने देखो रीजन दिया है तो बता रहा होगा वो क्या रीजन है और रीजन से आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वही ठीक है आंसर ठीक है लेकिन हमने जो प्रेशर बताया तो हमने एक रीजन दिया है उसके पीछे की भाई एनर्जी के साथ रिलेटेड है सब कुछ ठीक है ना तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या दैट इज वट वट कुड बी दी प्रोबेबल रीजन फॉर पावर लॉस इन अ डीजल इंजन डीजल इंजन में पावर लॉस के लिए प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है बच्चों तो डीजल इंजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों वो है कंप्रेशन मतलब प्रेशर तो पावर लॉस का जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो है लो इंजेक्शन प्रेशर याद रखिए कंप्रेशन रेशियो ही सबसे मेन है लो इंजेक्शन प्रेशर बिल्कुल सही सी इज दी करेक्ट आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन विद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मतलब देखा जाए तो अभी तक हमने जितना पेपर किया उसमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे है आईसी इंजन के क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक लेवल पे पूछे गए ठीक है तो क्या कह रहा है द टर्म एयर इंजेक्शन एसोसिएटेड विद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ एन आईसी इंजन मीन इंजेक्शन ऑफ तो बच्चों सबको पता है कि अगर हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं द टर्म एयर इंजेक्शन एसोसिएटेड विद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ एन आईसी इंजन मीन तो उसमें किसका इंजेक्शन हो रहा है ये आपसे पूछ रहा हूँ और बढ़िया क्वेश्चन है ये कि किसका इंजेक्शन यहाँ पे हो रहा है एयर का बोल रहे हैं लिक्विड फ्यूल का बोल रहे हैं या लिक्विड फ्यूल एंड एयर दोनों का बोल रहे हैं बताएं बच्चों आईसी इंजन में अगर हम टर्म एयर इंजेक्शन बोल रहे हैं तो इसमें मतलब क्या हुआ एसोसिएटेड विद फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ एन आईसी इंजन इंजन आ पे सिर्फ डीजल की बात नहीं हो रही है तो ये इंजेक्शन क्या होगा सी लगा दीजिए सर सी बिल्कुल सही है लिक्विड फ्यूल एंड एयर इंजेक्शन अगर हम एयर इंजेक्शन टर्म यूज कर रहे हैं तो फिर वो दोनों के लिए हो जाती है एयर फ्यूल इंजेक्शन दोनों के लिए तो दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर लिक्विड फ्यूल एंड एयर इंजेक्शन तो सी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही रहेगा क्लियर बच्चों तो ये हुए हमारे और मतलब 60 क्वेश्चन कंप्लीट मतलब नेक्स्ट 60 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं तो बस एक सेशन और, और आपका सेशन ये पूरा हो जाएगा मतलब तो कंप्लीट यू पी का पेपर हो जाएगा ठीक है तो चलिए बच्चों इस तरह से यू पी का पेपर की तैयारी हम लोग करते रहें बहुत अच्छा है चाहे वो यू पी इसके बाद एक पेपर और उठाएंगे इसके बाद हम उठाएंगे यू का पेपर ठीक है यू के पी ए का ताकि जो यू पी एस सी यू पी पी एस सी ए का यू पी पी एस सी ए का पेपर उठाएंगे इसके बाद एक फिर आप चाहते हैं आपका वाला पेपर उठाया जाए जो रिसेंट आने वाला है तो प्लीज़ बच्चों कोई भी प्रीवियस पेपर हमें भेजिए हम उस पेपर को कंसिडर करेंगे चलिए थैंक यू वेरी मच गाइज सेशन जल्दी हो गया बच्चों जल्दी इसलिए हो गया आपको इंटरेस्ट आया है नहीं तो टाइम तो पूरा एक घंटा होने को आया है ठीक है ना हिसाब मैंने थर्टी थर्टी क्वेश्चन का इसलिए बनाया है क्योंकि तीन सेशन में कंप्लीट हो जा रहा है नेक्स्ट हो सकता है फोर्टी क्वेश्चन के हिसाब से चले ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं थैंक यू वेरी मच बाय बाय